अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ एम एस खटक। आज हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 15.15। ये हमारे पास सेकंड ईयर फिजिक्स पार्ट टू का हमारे पास 15 चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रॉब्लम है। अ डीसी मोटर से ऑपरेट्स एट 240 वोल्ट एंड हैज रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम व्हेन द मोटर इज रनिंग एट नॉर्मल स्पीड द आर्मेचर करंट इज 15 एम्पियर। फाइंड द बैक ईएमएफ इन आर्मेचर। क्या कह रहा है हमारे पास प्रॉब्लम, क्या हमारे पास एक डीसी मोटर है जिस जो हमारे पास 240 वाट पे क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, और उसमें जो रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस 0.5 ओम है जब हमारे पास जो मोटर है वो नॉर्मल स्पीड से चल रही हो, ठीक है। द आर्मेचर करंट पर हमारे पास क्या है 15 एम्पियर, तो हमने बैक ईएमएफ फाइंड कर ली है इस करंट यानी 15 एम्पेयर के लिए। और मर्चर में हमने बैक ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रही है वो हमने फाइंड करनी है। तो देखते हैं डेटम वोल्टेज हमारे पास क्या है। वी इज इक्वल टू 240 वाट है, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 0.5 ओम है, मर्चर करंट हमारे पास आई 15 एम्पेयर है, बैक ईएमएफ एप्सिलॉन हमने फाइंड करना है। तो हम जानते हैं बैक ईएमएफ कैन बी कैलकुलेटेड दैट वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस आईआर, ठीक है। ये हमारे पास मोटर के लिए हमारे पास जो बैक ईएमएफ के लिए यूज़ होता है फार्मूला, ये वाला फार्मूला होता है वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस आईआर। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन निकाल लेंगे तो ये हमारे पास इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो वी माइनस आईआर। तो वी की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 240 माइनस 15 मल्टीप्लाई 0.5, आर की वैल्यू भी गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू जो आएगी वो 232.5 वोल्ट आ जाएगी। तो ये था हमारे पास इसका आंसर। सिंपल हमारे पास हमने फार्मूला इसमें लगाना है, याद रखना ये हमारे पास जब ईएमएफ मोटर की ईएमएफ की बात हो रही है तो वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस आईआर, ये हमने फार्मूला यूज करना है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है 15.16। ये अब प्रॉब्लम देखते हैं हमारे पास 15.16 क्या कहता है। 15.16 है हमारे पास कि अ कॉपर रिंग हैज रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ 1 मिली ओम। मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ओवर द रिंग परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज फ्रॉम 0.2 टेस्ला विच इज 0.4 एन अ टाइम इंटरवल ऑफ 5 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 सेकेंड, वॉट इज द करंट इन द रिंग ड्यूरिंग दिस इंटरवल। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक कॉपर रिंग है जिसका रेडियस हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, रेजिस्टेंस में 1 मिली ओम है, मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया उस रिंग के ऊपर जो कि परपेंडिकुलर है उस प्लेन की, ठीक है। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें यानी इंक्रीज करें 0.2 से 0.4 तक, और जो टाइम कितने टाइम इंटरवल के लिए हमारे पास 5 एक्सपोनेंशियल माइनस 10 सेकेंड के लिए, तो जो करंट प्रोड्यूस होगा रिंग में इस इंटरवल के दरमियान वो हमारे पास करंट कितना होगा, ठीक है। यानी 5 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 सेकेंड के लिए हमने जो मैग्नेटिक फील्ड है स्ट्रेंथ वो इंक्रीज करनी है 0.2 से 0.4 टेस्ला, तो हमारे पास करंट जो है वो क्या होगा। तो देखते हैं हमारे पास रेडियस ऑफ कॉपर रिंग हमारे पास आर इज इक्वल 4 सेंटीमीटर 0.04 मीटर आ गई है। रेजिस्टेंस ऑफ रिंग हमारे पास क्या है, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इज इक्वल टू हमारे पास 1 मिली ओम या 1 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 ओम है। इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड B1 जिसको हम कहेंगे वो हमारे पास 0.2 टेस्ला है, और जो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड B2 जिसको हम कह रहे हैं वो हमारे पास 0.4 टेस्ला है जो कि हम इंक्रीज कर रहे हैं। सो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास डेल B2 माइनस B1 कर लेंगे तो 0.4 माइनस 0.2 तो हमारे पास 0.2 टेस्ला आ जाएगा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। टाइम इंटरवल हमारे पास जो गिवन है वो हमें गिवन है डेल्टी इज इक्वल टू 5 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 सेकेंड। करंट इन रिंग आई हमने फाइंड करना है। अब हम जानते हैं हमारे पास ओम लॉ के थ्रू हमारे पास एक फार्मूला होता है कि वी इज इक्वल टू आई आर, मगर इसमें हमें वोल्टेज जो है ई एम एफ ले रहे हैं तो ये वी को हम आई से रिप्लेस कर लेंगे यानी एप्सिलॉन से रिप्लेस कर लेंगे, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई ओवर आर। यहाँ से हमारे पास आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर आर, ये इक्वेशन हमारे पास 1 है। हमने करंट क्योंकि फाइंड करना है, ये हमने पहला फार्मूला लिखा है जिससे हमने करंट फाइंड करना है आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर आर। अब हमारे पास क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन नहीं है ई एम एफ की वैल्यू, तो ये हम फाइंड करें बट इंड्यूस ई एम एफ इन रिंग, जब क्योंकि करंट पास होगा हमारे पास रिंग तो उसमें एक ई एम एफ इंड्यूस होगा। अब
ईएमएफ, इस ईएमएफ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी हमें पारे पास वैल्यू गिवन नहीं है प्रॉब्लम में, तो हम फाइंड करेंगे कहाँ से, फिराडे ला से हम फाइंड करेंगे। हमें पता है फिराडे ला के थ्रू कैप्सिलॉन इज इक्वल टू एन डेल फाइव और डेल टी, बट हेयर एन इज इक्वल टू वन, क्योंकि हमें सिर्फ वन रैंक कहा गया है, रैंक्स नहीं कहा गया है या नंबर ऑफ रैंक्स हमें गिवन नहीं है, तो कैपिटल एन हमारे पास वन है यानी एक रैंक है हमारे पास, और डेल फाइव हमारे पास बी ए होता है, बी डॉट ए होता है, तो यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा क्योंकि हमें कहा गया है कि परपेंडिकुलर है, तो वो हमारे पास बी ए जो है हमारे पास क्या है वो प्लेन के परपेंडिकुलर फील्ड कहा गया है, मगर एरिया के वो पैरेलल आ जाएगा, तो हमारे पास जो डिग्री बनेगी वो थीटा जीरो डिग्री आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस जीरो जो होता है वो हमारे पास वन होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमें प्लेन के परपेंडिकुलर कहा गया है, ठीक है, एरिया के परपेंडिकुलर नहीं है, तो एरिया की हमारे पास पैरेलल आ जाएगा, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो डिग्री आ जाएगा और वन आ जाएगा, कॉस जीरो, परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास पहले एंगल 90 आता, तो एज एरिया ऑफ रिंग हमारे पास एरिया क्या होता है, रिंग है, रिंग जैसे सर्कल फॉर्म में होते थे, हमारे पास जो एरिया होगा वो सर्कल वाला एरिया हम यूज़ करेंगे, एज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सो डेल फाइव की वैल्यू हमारे पास डेल बी, डेल बी और एक ही जगह हम पाई आर स्क्वायर पुट कर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास एप्सिलॉन इज इक्वल टू यही वैल्यू डेल फाई के हम ऊपर इस वैल्यू में पुट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एप्सिलॉन एन डेल बी पाई आर स्क्वायर और डेल टी, यहाँ से हम वैल्यू पुट कर लेंगे 0.2 हमारे पास डेल बी की वैल्यू है पाई 3.1416 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू गिवन है 0.04 का स्क्वायर और नीचे हमारे पास जो टाइम इंटरवल था 5 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 गिवन था। अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1.0048 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 आ जाएगा और नीचे हमारे पास 5 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारे पास 0.2096 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्योंकि फाइंड करंट करना है, अब ये जो हमने एप्सिलॉन इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू फाइंड की है हम ऊपर वाले इक्वेशन नंबर वन में पुट कर लेंगे, इक्वेशन हमारे पास क्या था, आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर आर, एप्सिलॉन, तो यहां से हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू 0.2096 और डिवाइड बाय 1 एक्सपोनेंशियल माइनस 3। ठीक है, ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस गिवन थी 1 मिली ओम, ठीक है, तो ये हमने वैल्यू पुट किया है तो यहाँ से हमारे पास आई की वैल्यू 200.96 या आई इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो हमारे पास 201 यानी 201 एम्पेयर करंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास आज का प्रॉब्लम थे, नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।